हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिन बाद मैंने दोबारा से आज ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। इतने दिन से मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, उसके पीछे एक रीज़न था जो कि आपने शायद टाइटल में पढ़ भी लिया होगा। सबसे पहले तो हम लास्ट वाले, अगर आपने ब्लॉग मेरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम रामपुर गए थे घर बनवाने के लिए वहाँ का, क्योंकि वहाँ का घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो पहला रीज़न ये था कि भाई 3 महीने तो उसी घर को मुझे बनवाने में लग गए और मेरे ऊपर कोई गार्डियन भी नहीं है, तो मैं खुद बनवा रहा था उस घर को। तो सारे दिन भर वहाँ लगा रहता था और वहाँ मैंने घर बनाने के ब्लॉग इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि भाई वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा सब ऐसे ही हुआ रहता था, तो मैं सोचता था इसका क्या ब्लॉग बनाऊँ। फिर दूसरी चीज़ मेरे साथ ऐसा हुआ कि भाई मैंने अपग्रेड करना चाहा था अपने रेडमी नोट 8 प्रो से आईफोन पे, क्योंकि भाई मैं ब्लॉग बना रहा था और ब्लॉग में कैमरा क्वालिटी जो है आपको पता ही है आईफोन से बढ़िया किसी की होती नहीं है। वीडियो बनाते समय वैसे तो आपको मिल जाएंगे एंड्रॉइड में जो फोटो खींच के आईफोन से भी बढ़िया दे देंगे, पर जब वीडियो की बात आती है तो सबसे बढ़िया वीडियो जो है आईफोन ही बनाता है। तो मैंने भाई आईफोन लिया था OLX से, जिसमें मुझे स्कैम हो गया तगड़ा वाला। सबसे पहला स्कैम मेरे साथ ये हुआ कि भाई जो नॉर्मल प्राइस है मैंने लिया पहली बात तो iPhone XR, तो इसका जो नॉर्मल प्राइस है मुझे इससे महंगा ही पड़ा iPhone XR OLX पे ख़रीदने से, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। पहली बार iPhone XR लिया, मतलब आईफोन लिया कोई सा भी, इससे पहले कोई आईफोन चलाया ही नहीं था आज तक, एंड्रॉइड पे थे, एंड्रॉइड के बारे में अच्छी खासी ज्ञान थी। तो ये जो लिया मैंने वो ले लिया, एक तो पहली बात मैंने महंगे प्राइस पर, दूसरी चीज़ इसमें यह थी कि जिससे हम बात करते हैं, बात करने वाला जो ऊपर वाला स्पीकर होता है ना आईफोन के, मतलब फ़ोन का जो ऊपर वाला, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऊपर वाला स्पीकर होता है ना, ये ऊपर जो है इसके, इसमें आवाज़ बहुत कम आ रही थी। तो इस चीज़ में मुझे एक और स्कैम हो गया भाई, इतना महंगा फ़ोन जो था मैंने कुल मिला के ख़राब ले लिया था, और मैं घर वालों को भी नहीं बता सकता कि मैंने ये पैसे डुबो दिए। तो मैं बिल्कुल डाउन हो गया था और इस वजह से मैंने ब्लॉग बनाना बिल्कुल छोड़ दिया था। पर अभी कुछ दिन पहले हम ऋषिकेश वापस आए और वो जो चीज़ थी मेरी, अल्लाह का करम है कि वो चीज़ मैंने खुद से सही कर ली जुगाड़बाजी करके। और हाँ भाई, एक बात ये भी कि मैंने जब चेक करने के बाद में उसको फ़ोन लगाया कि भाई ऐसे ऐसे तेरे फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है और तूने मुझे महंगा भी दे दिया, तो तू मेरे पैसे वापस दे और अपना फ़ोन लेके चला जा, तो भाई उसने, मतलब पहली चीज़ तो उसने मेरा कॉल ही उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद जब उसने कॉल उठाया, मैंने बताया ऐसे ऐसे बात है और तू आके भाई अपना फ़ोन लेके जा और मुझे पैसे दे के जा, तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई तुझे उसी टाइम देखना चाहिए था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। मैंने भाई पहली बार लिया था फ़ोन और उस पर पूरा विश्वास करके लिया था, तो उसने मतलब मुझसे जायद से भी ज़्यादा पैसे लिए थे, तो चीज़ भी तो सही देना चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। अब उसने मुझे चीज़ भी ख़राब दे दी और ऐसे ऐसे मना भी कर दिया। फिर भाई मैं यहाँ तक कि उससे ये भी बोला कि तू 1500 रुपये एक्स्ट्रा रख ले मुझे, कि मतलब मैंने तुझसे इतने का लिया है, मान लो 20,000 का लिया तो तू मुझे मतलब 19,000 दे दे, 1,000 अपने पास रख ले तू फालतू में। वैसे मैंने लिया नहीं है एक्चुअल में 20,000 का, पहले ही बता दूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भाई मतलब मैंने बोला कि तू फालतू के 1,000 रुपये अपने पास रख ले, पर मेरा फ़ोन जो है मतलब लेके चला जा और मुझे पैसे दे दे, मैं घर वालों की डांट खाने से बच जाऊँगा। तो वो इस चीज़ पे भी राजी नहीं था, तो कुल मिला के मुझे पूरा स्कैम हो गया उसके फोन के साथ में। ओ चूना लगा दिया। हाँ तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा और इसका क्या इलाज निकला। सबसे पहले तो मैं जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं भाई, मैं गया फ़ोन वाले के पास, मैंने जाके बताया कि ऐसे ऐसे इसके स्पीकर में है कम आवाज़ आ रही है तो उसका क्या इलाज है। तो उसने बताया कि भाई इसका स्पीकर ख़राब हो गया और ये चेंज होगा। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इतना खर्चा आएगा इसमें, पर उसमें एक कंडीशन ये थी कि मेरा आईफोन जो था बिल्कुल सील्ड था, मतलब वाटरप्रूफ था। अगर मैं अपना स्पीकर जो है रिप्लेस करवाता तो वो मेरा आईफोन खुल जाता और खुलने के बाद आईफोन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इतना तो मुझे भी पता था भाई, ये चीज़ भी मैंने देख के लिया था आईफोन को, बस मुझे एक्साइटमेंट में आप कह लो कि ये चीज़ मैं नहीं देख पाया कि इसके स्पीकर में आवाज़ कम आ रही, वरना मेरा आईफोन ठीक ठाक मुझे पड़ जाता, बस पैसों में महंगा पड़ जाता, तो वो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कुल मिला के भाई वो चीज़ से भी निराश होकर मैं अपने घर आ गया, मुझे आ गया गुस्सा तगड़ा वाला। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने कहा भाई या तो ठीक हो जाएगा या बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। मैंने गुस्से में आके भाई इसमें सैनिटाइज़र डाल के छोड़ दिया इसके स्पीकर में, कि वाटरप्रूफ तो है ये, वरना फिर बदलना तो है ही, खुलेगा तो फ़ोन वैसे भी इसको रिप्लेस ही होना है, तो इससे बढ़िया एक लास्ट ट्राई और करके देख लो। तो मैंने भाई सैनिटाइज़र पूरा भर दिया उसके स्पीकर में, कि इसमें अगर कोई कचरा होगा तो लिक्विड के साथ बह के वो वापस बाहर आ जाएगा। मैंने सैनिटाइज़र डाल के 30 सेकेंड के लिए छोड़ दिया उसको रख के, फिर मैंने 30 सेकेंड बाद जब फ़ोन को ऐसे रखा हुआ था और इसको ऐसे करके वापस उल्टा लौटा ना, तो वो लिक्विड के साथ सारा कचरा बह के आ गया। पीछे से आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करो। तो कुल मिला के जब मैंने उसको ऐसे करा तो सारा कचरा लिक्विड के साथ बह के वापस बाहर को आ गया। तो मैंने फिर ट्राई करके देखा यूट्यूब पे स्पीकर बजा के, मतलब गाना वाना प्ले करके देखा, तो वो उसमें आवाज़ आने लग गई थी। फिर मैंने डबल चेक के लिए उसको, मतलब कॉल लगा के चेक करा दूसरे वाले अपने फ़ोन से, तो भाई उसमें कॉलिंग पे भी ठीक ठाक, मतलब बढ़िया आवाज़ आने लग गई। तो अल्लाह के करम से ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई। तो कुल मिला के मैं पूरा स्कैम हो गया था, बस ये कह लो कि आप, अल्लाह ताला ने मुझे इस
परेशानी से तो जो है बचा लिया। और भाई एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि सब जगह यूपी वगैरह जहाँ जहाँ से मेरे लिंक है मुझे पता लग रहा है कि भाई वहाँ पे ताबड़तोड़ ठंड पड़ रही है, पर हम ऋषिकेश में रहते हैं और ऋषिकेश वाला इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे माशाल्लाह धूप निकल रही थी रोज़ रोज़। पर भाई आज पहली बार जो है काफ़ी ज़्यादा दिन बाद आज हमारे यहाँ भी ठंड हो गई। देखो मुँह से भी भाप निकल रही मेरी तो भाई यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। और पीछे देखो आप, ये देखो मतलब पहाड़ तक के गायब हुए पड़े हैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है आज ऋषिकेश में। बस मैं जैसे तैसे करके आपके लिए ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो अब से इंशाल्लाह कंटिन्यूस व्लॉग आएंगे। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल या परसों या फिर तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, पर जल्दी आएगी तब उस वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।